YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। पाकी प्रखंड के ताल पुलिस पिकेट पर सीआरपीएफ जवानों ने सीआरपीएफ की 79वीं वर्षगांठ बड़े धूमधाम से मनाया। इस विशेष अवसर पर बटालियन कमांडेंट मुकेश कुमार के नेतृत्व में पौधारोपण कार्यक्रम के तहत फलदार व गैर फलदार पौधों का रोपण कर लोगों को पर्यावरण संतुलन को लेकर प्रेरित किया गया। वहीं सतार कैंप पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा हमला और भारतीय फौजियों द्वारा मुंहतोड़ जवाब दे करीब 3000 पाकिस्तानी सैनिकों को धराशायी कर देने से संबंधित फिल्म का प्रदर्शन तालगांव स्थित कैंप कक्ष में किया गया, जिसे जवानों के साथ भारी संख्या में मौजूद शिक्षकों व छात्र छात्राओं ने देखा। उस हमले में सीआरपीएफ के कई जवान भी शहीद हुए थे। मौके पर जमाए सिपाहियों से संबंधित कॉमिक्स का वितरण किया गया ताकि विद्यार्थी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो सके। इस दौरान खेल प्रतियोगिता भी हुई। सीआरपीएफ के वरीय पदाधिकारियों ने कहा कि बच्चे देश के भविष्य हैं, यदि संस्कारयुक्त शिक्षा उन्हें मिले तो वे आगे चलकर आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं।